मॉर्निंग वंस अगेन, शैलेश इंश्योरेंस समाधान की तरफ से कुछ इंश्योरेंस सावधानी के साथ में। हमने जब भी कभी इंश्योरेंस ली होगी, जो भी हमको आया होगा हमारे पास बेचने के लिए, वो बताता है कि आप के लिए बड़ा कन्वीनियंट मेथड है कि आप साल का प्रीमियम दे दीजिए। साल का नहीं तो आप मंथली भी दे सकते हैं, आप चाहें तो हाफ ईयरली दे दें, आप चाहें तो क्वार्टरली दे दें। ये सारे सिस्टम हमारे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल प्रीमियम दे सकते हैं। ज्यादातर लोग कन्वीनियंस देखकर इस प्रीमियम को मंथली देना प्रेफर करते हैं या हाफ ईयरली देना प्रेफर करते हैं, जिस जो अपने बजट के हिसाब से लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए आपको? तो मेरी रिकमेंडेशन आपको है कि आप हमेशा प्रीमियम को एनुअल ही दीजिए। अब क्वेश्चन है, क्यों मैं एनुअल दूं? अब सर, एनुअल इसलिए दीजिए, जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है आप उसके लिए 108 रुपए देते हो यदि आप उसको मंथली मोड में देते हो। 100 का 108, एक प्रोडक्ट के ऊपर यदि 6% रिटर्न है और उस पर 8% खर्चा है, तो दैट मीन्स आपको -2% की रिटर्न आ रही है। यदि आप उसी प्रीमियम को हाफ ईयरली मोड में देते हो तो आप 4% एक्स्ट्रा दे रहे हो, और यदि आप क्वार्टरली मोड में दे रहे हो तो 6% एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो आपके लिए हमेशा कन्वीनियंट यही रहेगा कि जब भी आप अपना इंश्योरेंस कराएं तो एनुअल प्रीमियम पे जाइए। कोई भी आपको बोले मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो कभी भी इस ल्योर में मत आइए कि मैं इसे मंथली देना पसंद करूंगा। जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप एनुअल प्रीमियम वाली पॉलिसी ही कराएं। वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी और आपको हमेशा ज्यादा बेनिफिट देगी। दूसरी चीज, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किस एनुअल के अलावा कोई और मोड लेते हैं, आपके लैप्सेशन के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। ऑल्दो इंश्योरेंस कंपनी आपको यह कन्वीनियंस देती हैं कि आप मोड में पैसा दीजिए, लेकिन इंश्योरेंस समाधान हमेशा यह बोलता है कि आप एनुअल प्रीमियम वाली पॉलिसी कराएं, यह आपके लिए हमेशा फायदे का सौदा है। थैंक यू वेरी मच।